हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों का किया पूजन। जोधपुर विजयादशमी के अवसर पर मां करणी युवा राजपूत संगठन का अस्त्र शस्त्र शास्त्र पूजन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। संगठन के संस्थापक देवेंद्र सिंह चिंडालिया ने बताया कि चतुर्थ वर्षीय आयोजन बिजोलाई बालाजी आश्रम जोधपुर के महंत सोमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में BJS स्थित शिव मंदिर अस्त्र शस्त्र और शास्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करण प्रताप सिंह सिसोदिया थे। विजयदशमी पर निकाला पथ संचलन, हजारों स्वयं सेवकों ने लिया भाग। बाड़मेर विजयदशमी के पर्व पर शहर के हाई स्कूल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से शंखनाद के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके बाद नगर में पूर्ण गणवेश एवं घोष के साथ पथ संचलन निकाला गया। वहीं पथ संचलन के दौरान दंड योग, दंड युद्ध, नियुद्ध योग का प्रदर्शन भी हुआ। सिंदूर से खेली होली, गाए मंगल गीत। जोधपुर विजयदशमी पर शुक्रवार को बंगाली समाज की महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना के बाद सिंदूर से होली खेली। महिलाओं ने एक दूसरे के मुंह और चेहरे पर सिंदूर लगाया और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी, साथ ही सुहाग की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। पाली विजयदशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा शस्त्र पूजा की जाती है, उसके साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस अवसर पर पहली बार दुर्गा वाहिनी के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई। समाज की महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाड़मेर में उतरी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा, राज परिवार की अगुवाई में हुआ शस्त्र पूजन। विजयदशमी के पावन पर्व पर हजारों वर्षों पुरानी परंपरा धरती पर उतरती नजर आई। रावत त्रिभुवन सिंह ने फोर्ट स्थित माता नागडेचिया मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया। जानकारी के मुताबिक अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के शस्त्र पूजन का विधान है। बाड़मेर शहर में विजयदशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा पद प्रेरणा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में हजारों की तादाद में केसरिया बाना पहने युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। रावत त्रिभुवन सिंह की अगुवाई में निकली इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर शानदार स्वागत किया गया। प्रेरणा यात्रा में शामिल राजपूत समाज के युवाओं के केसरिया साफे और केसरिया ध्वज से सारा माहौल केसरियामय हो गया। देखो जागरूक, बनो जागरूक।